लगातार पांच किसानों की रिहाई के लिए किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर यानी दक्ष प्रजापति चौक पर पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय के अंदर जाने वाले रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर प्रवेश बंद किया हुआ है और भारी पुलिस बल की तैनाती भी की हुई है ताकि किसान लघु सचिवालय के अंदर प्रवेश न कर पाए। शनिवार को प्रशासन व किसानों के बीच हुई बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने दक्ष प्रजापति चौक पर ही पक्का मोर्चा लगा दिया था, जिसके बाद आज फिर से प्रशासन द्वारा किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया। इसके बाद किसान जथेबंदी प्रशासन से मिलने पहुंची। प्रशासन से बातचीत होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता मंजीत सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा आज उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया था, हमारी कमेटी प्रशासन से मिलने भी गई थी। प्रशासन द्वारा हमसे हमारी मांगें पूछी गई और लिखित में मांगें मांगी गई। किसान नेता ने बताया कि हमने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखी और कहा कि जो किसान भाई गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए। साथ ही एक मांग और भी रखी गई है कि पक्का मोर्चा पर महिला पुलिस कर्मचारियों की तैनाती न की जाए। यह सब मांगें मान लेने के बाद किसान अपना धरना वहां से उठा लेंगे। किसान नेता मंजीत ने कहा कि हमने अपनी मांगें प्रशासन को लिखित में दी हैं, हमारे द्वारा किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के अनुसार ही काम करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे। और बात रही बैरिकेड्स तोड़ने की, तो जब बैरिकेड तोड़ेंगे तो प्रशासन को चेताकर तोड़ेंगे। देखो प्रशासन ना जड़ी मीटिंग हुई है, मैं भी इस कमेटी के साथ जाके आया हूं। वो इको गल सी, उन्होंने कोई इको ही मांगा साडी भी, जेडे साडे नौजवान फड़ के 124 ए ला के जां 307 वर्गियां तरावां ला के जेल च बंद कीते, उन्होंने जल्दी तो जल्दी रिहा करो। जिन्नी जल्दी रिहा कर दो उन्नी जल्दी धरना चक्या जाऊगा, ठीक है ना। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਖੜੇ ਆ ਫੋਰਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਰਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਕਿਤਵੇਂ ਬਸ ਇਹ ਦੀਆ ਵੀ 124 ਏ ਲਾਈ ਆ, 307 ਲਾਈ ਆ, ਝੂਠੀ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਸ।